दोस्तों फाइनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे दो बातों के बारे में जो आपको किसी भी लड़कियों से या किसी भी शादीशुदा औरत से भूलकर भी नहीं पूछना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको उनके गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं, वो कौन सा सवाल है जो एक स्त्री से आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यूँ तो दुनिया में किसी भी लड़की को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वो इसलिए क्योंकि लड़की का मन कब कहाँ पिघल जाए और कब वो गुस्से में आ जाए ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए आज हम लड़कियों के बारे में कुछ ऐसी खास जानकारी देने वाले हैं जो कि भविष्य में या फिर आने वाले जीवन में आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों से बात करते समय या उनसे कोई भी ऐसी बात कर बैठते हैं या कोई ऐसी बात पूछ लेते हैं जो कि आपको नहीं पूछना चाहिए, यानी कोई ऐसी बात जो कि लड़कियों के मन को बुरी तरह से चुभ जाती है। अब जाहिर सी बात है, आप किसी लड़की से या औरत से गुस्सा दिलाने वाली बात पूछोगे तो उनका नाराज़ होना तो लाजमी है। इसलिए आज हम आपको ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो आपको ना केवल कुंवारी लड़कियों से बल्कि शादीशुदा लड़कियों से भी कभी नहीं पूछनी चाहिए। जी हाँ, क्योंकि अगर आपने ये बातें उनसे पूछ ली तो समझ लीजिए उनका नाराज़ होना तय है। तो चलिए आपको इस दिलचस्प जानकारी के बारे में ज़रा खुलकर बताते हैं। नंबर एक, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको किसी भी लड़की की या किसी भी औरत की उम्र नहीं पूछनी चाहिए। जी हाँ, भले ही वो औरत शादीशुदा क्यों ना हो लेकिन आपको उनका उम्र नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि लड़कियों को अपनी उम्र बताना अच्छा नहीं लगता है। वो इसलिए क्योंकि कई बार लड़कियों की उम्र आपसे ज़्यादा भी हो सकती है और यही वजह है कि लड़कियां अक्सर अपनी उम्र छुपाना ही पसंद करती है। नंबर दो, इसके अलावा कभी भी किसी लड़की से नहीं पूछना चाहिए कि उसके साथ अतीत में क्या हुआ था, जैसे कि अतीत में उनका किसी के साथ प्रेम संबंध था या नहीं। बता दे कि इस तरह के बातें लड़कियों से या औरतों से कभी नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि एक तो लड़की इससे काफ़ी असहज महसूस करने लगती है और दूसरी बात यह है कि इससे लड़की आपसे नाराज़ भी हो सकती है। इसीलिए हो सके तो भविष्य में इस बात का ध्यान रखें और लड़कियों से इस तरह का सवाल तो बिल्कुल भी ना करें। अब यूँ तो लड़कियों की बहुत सी बातें हैं जो सबसे छुपा कर रखती है, लेकिन फिर भी जो बातें बताने लायक होती है वो लड़कियाँ खुद ही बता देती है। इसलिए आप जब किसी लड़की से मिले या किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहें तो इन बातों का ध्यान रखें कि लड़की से कभी भी ऐसे सवाल ना पूछे जिससे वो नाराज़ हो जाए। जी हाँ, अगर वो आपसे प्यार करती है तो वो खुद ही ये सब बातें आपको बता देगी। इसके अलावा जिनकी शादी हो चुकी है उनसे भी हम यही कहेंगे कि जिस लड़की से आपकी शादी हुई है उस पर पूरा यकीन रखिए और उनसे उनके अतीत के बारे में ज़्यादा सवाल ना करें, क्योंकि इससे ना केवल आपकी पत्नी आपसे नाराज़ हो सकती है बल्कि इससे आपका रिश्ता भी बिगड़ सकता है। वही दोस्तों, कुछ बातें ऐसी भी है जो स्त्रियों को भी अपने पति की बातें किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। गौरतलब है कि किसी भी स्त्री को कभी अपने पति की बीमारी के बारे में आस पड़ोस से नहीं बताना चाहिए या किसी अनजान व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। ऐसे में लोग आपके पति से दूरी बनाने लगते हैं, इससे आपके पति को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा स्त्री को अपने और अपने पति के बीच में झगड़े के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। बता दे कि ऐसा करने पर लोग आपके झगड़े का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपका नुकसान भी कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर आपके पति किसी चीज़ से डर भी लगता हो तो उसके डर के बारे में भी आपको किसी से भी नहीं बताना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि आप अपने पति के डर के बारे में किसी को बताएंगे तो इससे उनकी इमेज खराब हो सकती है। यहाँ तक कि जान पहचान के लोग आपके पति के डर का फ़ायदा उठा सकते हैं और उनका मजाक भी बना सकते हैं। इसके साथ ही अपने पति के कमाई के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। जी हाँ, कहते हैं कि लोगों की नज़र लगने में देर नहीं लगती है। अगर हो सके तो अपने पति की आमदनी को लोगों से छुपाकर ही रखना चाहिए। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों औरतें और लड़कियां दिल से नहीं दिमाग से पटाई जाती है,
कैसे 30% लड़के बाकी के 70% औरतों को और लड़कियों को पटा लेते हैं। उन तरीकों को जानने के लिए, औरतों और लड़कियों के व्यवहार को और भी ज़्यादा गहराई से समझने के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल पर विजिट करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।